मैंने मैंने क्या देखा कि राजकुमारी मैना जंगल अखेट करने को गई और उसे डाकू लाखन सिंह ने छेड़ा। अगर उसे डाकू लाखन सिंह ने छेड़ा तो राजकुमारी मैना बचकर राजमहल तक भी आ गई। मैं तो चाहती थी उसका रेप हो जाता, लेकिन राजकुमारी मैना बचकर राजमहल तक भी आ गई। मुद्दत से मेरे दिल में एक अरमान था, उस राज को आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। उस राज को आज तक मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा। उस राज को आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। मुद्दत से सोचती थी ये रात ये तक ये तक ये रियासत सार की मालकिन मैं बनूं, जिस राज सिंहासन पर मेरे पिताजी विराजमान है उस राज सिंहासन पर मुझे बैठना चाहिए। जो ताज मेरे पिताजी के सिर पर बंधा वो ताज मेरे सिर पर होना चाहिए, लेकिन आज तक ये चांस हमारे जीवन में नहीं आया। और इसलिए नहीं आया कि जिस राज सिंहासन पर मुझे बैठना चाहिए उस राज सिंहासन पर मेरे पिताजी विराजमान है। जब तक मेरे पिताजी उस राज सिंहासन पर रहेंगे तब तक ये राज हमें नहीं मिल सकता। ये राज हमें मिले तो कैसे मिले, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। मैंने सोच लिया, जब मैंने ताकू लाखन सिंह को पहली बार रात दरबार में देखा तभी से मेरे दिल में आइडिया आया, हम क्यों ना ताकू लाखन सिंह को अपना बोहरा बनाए और उससे झूठा प्यार का नाटक चटाकर इस राज को अपने बस में कर लूं। बचेंगे मेरे पिताजी, अपने पिताजी को इस दुनिया से उठा दूं। इस रियासत की कोई मलका कहलाए तो वो हो राजकुमारी नैना। ये पर्दा एरिया राजकुमारी नैना की नाम की जय जयकार करें, लेकिन हम लाखन सिंह से मिले तो कैसे मिले। लाखन सिंह के ऊपर लोहा सिंह का बहुत कड़ा पहरा है। ठीक है, चलती हुई इसी वक्त मैं लोहा सिंह के पास उसे बड़ी बड़ी लाला दूंगी, उसे धन दिखाऊंगी, कहूंगी एक घंटे के लिए हमें लाखन सिंह से मिलना है। लोहा सिंह हमें मिलने का चांस क्यों नहीं देगा। लोहा सिंह है तो मेरा नौकर, जो हम चाहेंगे वही करेगा। पिताजी आपने ये राज हमें ना देकर अच्छा नहीं किया। मैं ऐसी लड़की हूं कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हूं। मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं अपने जनता को भी सूट कर सकती हूं। सच में कर मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं अपने दरबार के कर्मचारियों को भी सूट कर सकती हूं। सच में मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं पिताजी तुझे भी गोली मार सकती। पिताजी आपने इस महल में बेटी नहीं बल्कि नागर पाला है। मैं कब तुम्हें नागर बनकर दस लूं ये तुम्हें खुद बता नहीं पिताजी कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलती हूँ। सबसे पहले मैं लाखन सिंह से मिलती हूँ, उसके बाद हम अपना अगला प्लान सोचते हैं कि हमें करना क्या है। कहते हैं जय जय रघुनंदन जय घनश्याम बन जाए नैना का। ठीक है, वक्त का इंतजार करना पिताजी। एक ना एक दिन अगर मैंने तुझे जहन्नम ना भेज दिया तो मेरा नाम राजकुमारी नैना नहीं। लाखन सिंह को जेल के अंदर डाल दिया,
अब यही पहरा देता हूं। लोहा सिंह, हम आपके पास कुछ जरूरी खास काम के लिए आए। आखिर राजकुमारी जी, बात क्या है? ठीक है, मैं बताता हूं। लोहा सिंह, तू तो मेरा हर एक जरूरी काम। लोहा सिंह का तो मेरा एक जरूरी काम, तुम्हें एक काम करना है। राजकुमारी जी, मैं समझ नहीं पाया किस काम के लिए आप इतना बड़ा इनाम दे रही हैं। ठीक है, बतलाती हूँ। एक घंटे के लिए। एक घंटे के लिए? एक घंटे के लिए। एक घंटे के लिए, अरे जेल अंदर करके, अरे जल्दी वापस सारी जिंदगी नौकरी करते करते खत्म हो जाओगे। शायद इतनी दौलत तुम कभी नहीं पा सकते। राजकुमारी जी, मुझे मंजूर है, लेकिन साथ साथ याद रखना मेरी नौकरी का सवाल है। लोहा सिंह, जब तक हमें, तुम्हें और तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं हो सकता। अगर ये बात है, तो ठीक है, मैं एक घंटे के बाद तुम्हें तुम्हारी चाबी वापस देती हूँ। पच्चीस मोहरे सोने की। जाओ राजकुमारी, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। दरबान, जेल का फाटक खोल दिया जाए। लखन सिंह जेल में। ठीक है, सबसे पहले मैं लखन सिंह को जेल से बाहर करती हूँ, उसके बाद अपने दिल की बात मैं लखन सिंह से करती हूँ। देखती हूँ हमारे सवाल का जवाब लखन सिंह क्या देता है। लखन, तू मुझे पहचानते तो होंगे? दरबार में देखा था, आप महाराज की राजकुमारी है ना? जी, चलो इतना तो ज्ञान है कि तू मुझे पहचानते हैं। हाँ, मैं महाराज की बड़ी राजकुमारी, मेरा नाम राजकुमारी नैना है, और तुमसे मिलने जेल तक भी आई। मिलने से पहले, सवाल करने से पहले मैं अपने उसूल बता देती हूँ। मेरी दो उसूल है। पहला उसूल, हमें ना सुनने की आदत नहीं। दूसरा उसूल, हमें जो कोई ना करता उसे हम फौरन शूट कर देते हैं। ठीक है, हमारी सवाल का जवाब जरा सोच समझ कर देना। ठीक है, और मिला होगा लाखन तुम्हें कष्ट।
कष्ट भारी, अरे दशा देख कर दिल दुखी है हमारी। अगर चाहू तो जेल से मैं छुड़ा दूं, अगर चाहू तो जेल से मैं छुड़ा दूं, अगर पूरी करे आपू हसरत हमारी। बोलो एक मिनट के अंदर हमें हाँ या ना का जवाब चाहिए, जल्दी करो। अरे मुझे काम अपना तुम देवी बता। समझदार लगती हो, काम क्या है बताओ।